गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज अपन अपने इस वीडियो सीरीज में जिस बिंदु पर डिस्कस करेंगे वो विधि द्वितीय वर्ष के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है, जो अपने पिछले कुछ वीडियोज के माध्यम से अपन अध्ययन कर रहे हैं। और ये इस सीरीज़ का पांचवा वीडियो जो मैं आपके सामने प्रपोज कर रहा हूँ कि वीडियो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के भाग दो के चैप्टर दो में सेक्शन 6 और 7 से बिलोंग करता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 6 और 7 में इस संस्था के सदस्यों की पदावधि, वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करता है। तो इस संबंध में अपन जो बात लेकर चलेंगे या जिस क्वेश्चन को अपन फोकस करेंगे, ये आपके सामने है। देखिए, स्क्रीनशॉट आप नोट्स का साथ साथ लेते जाइए। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, वेतन भत्तों आदि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ देखिए, इस संबंध में, इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो अपन यहाँ सेक्शन 6 और 7 की चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह है कि देखो, अधिनियम की धारा 6 जो है उसके अनुसार लोकपाल के अध्यक्ष सहित समस्त सदस्यों को चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। देखो क्या है, पिछले वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो 5 सदस्यीय चयन समिति, जिस आदमी का नाम राष्ट्रपति को सुझाएगी, उसी को लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य अपॉइंट किया जाएगा। और इस कार्य में सहयोग लेने के लिए चयन समिति जो है वो अपने अंडर अनुभवी लोगों की या विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले लोगों की एक 7 सदस्यीय खोजबीन समिति का गठन कर सकती है। लेकिन देखिए, बड़ी बात मैंने आपको जो बताई थी कि खोजबीन समिति की सिफारिशों से चयन समिति बाउंड नहीं है, लेकिन चयन समिति की सिफारिशों से राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट के लिए बाउंड है। जिन लोगों का नाम ये पैनल या चयन समिति सुझाएगी, उन्हीं में से किसी को अध्यक्ष या लोकपाल का सदस्य बनाने के लिए राष्ट्रपति बाउंड है। अब राष्ट्रपति जब उन्हें अपॉइंट करेगा, तो इस संबंध में जो बात है वो आपके सामने मैं बताऊंगा कि राष्ट्रपति जो है वो इस संबंध में एक अपनी सील और सिग्नेचर के साथ वारंट जारी करेगा, और उस वारंट के माध्यम से ही उसकी नियुक्ति की जा सकेगी। ठीक है, तथा अगली बात इसमें जो लिखी गई है वो कि वह अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 साल की आयु पूरी करने तक, इन दोनों में से जो भी स्थिति पहले होगी, पूरी होगी, वो उसका कार्यकाल होगा। कहने का मतलब, सामान्यतया लोकपाल का जो कार्यकाल है अध्यक्ष और सदस्यों का, वो 5 वर्ष है। लेकिन यदि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले, यदि कार्यकाल पूरा करने से पहले यदि या तो 70 वर्ष पहले यदि 70 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, तो उसका कार्यकाल समाप्त समझा जाएगा। उस रूप में पद ग्रहण करेगा, लेकिन देखिए इसके साथ कुछ कंडीशंस और लगी हुई है। वो कंडीशंस क्या है, वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। कहने का मतलब यह है कि कभी भी लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य जो अपना पद त्याग सकता है, तो अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। दूसरा, उसको धारा 37 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया भी जा सकता है। तो दूसरी बात यह है कि लोकपाल के सदस्य को या अध्यक्ष को हटाने का जो मैकेनिज्म या प्रोसेस है, वो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम की सेक्शन 37 में है। ठीक है, ये जो बातें डिस्कस हुई हैं इनके कार्यकाल के संबंध में, वो सेक्शन 6 से संबंधित हैं। अब अगर अपन सेक्शन 7 की बात करें, तो सेक्शन 7 में देखिए क्या प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 7 में लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का उल्लेख है, जबकि पहले में उसके कार्यकाल या पदावधि के बारे में चर्चा की गई थी। यहाँ सेक्शन 7 में वेतन भत्तों और सेवा शर्तों को तय करते हुए इस अधिनियम में लिखा गया है
कि लोकपाल के अध्यक्ष के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें वही होंगे जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के हैं। तो देखिए, जो लोकपाल संस्था का अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन होगा, उसकी फैसिलिटीज जो हैं या वेतन भत्ते और सेवा शर्तें हैं वो इक्वल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के इक्वल होंगे, तथा अन्य जो सदस्य होंगे उनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें इक्वल अदर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भिन्न जो अन्य सदस्य होंगे उनके इक्वल रखे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो कि उनकी सेवा शर्तें और वेतन भत्ते क्या होंगे, लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में रखने वाली है, वो क्या है, वो ये है कि परंतु यदि कोई अध्यक्ष या सदस्य अपनी नियुक्ति के समय, कोई अध्यक्ष या सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत जिसमें एक जो विकलांग या निःशक्तता पेंशन है वो नहीं है, शामिल नहीं है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की पेंशन यदि वो यथास्थित ग्रहण कर रहा है या ले रहा है, तो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में जब भी उसे अपॉइंट किया जाएगा वो पेंशन की राशि जो है वो उसकी वेतन भत्तों से घटा दी जाएगी। कहने का मतलब, निःशक्तता पेंशन के अलावा किसी भी प्रकार की पेंशन यदि लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के द्वारा ग्रहण की जा रही है या उसका कोई फायदा उठाया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में लोकपाल या के अध्यक्ष या सदस्य के वेतन भत्तों में से वो पेंशन की राशि जो है वो कम कर दी जाएगी। तो देखो क्या क्या कम किया जाएगा। पहला है उस पेंशन की रकम को, सबसे पहले उसकी पेंशन की रकम को घटाया जाएगा, और दूसरा ये कि यदि किसी नियुक्ति पूर्व ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसको शुद्ध पेंशन के किसी भाग के बदले उसका सारांशिकृत मूल्य प्राप्त किया है, तो पेंशन के उस भाग की रकम को, यदि उसने पेंशन के बदले कोई सारांशिकृत राशि को ग्रहण किया तो उसको भी उनके वेतन भत्तों में से कम किया जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन और ध्यान में रखना है कि अध्यक्ष और सदस्य को संदेह वेतन भत्ते और पेंशन में एक बार उसकी सेवा शर्तों के अनुसार अपॉइंट कर दिया जाता है तो उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि उसके वेतन भत्तों को बढ़ाया जा सकता है, उनके वेतन भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। इस प्रकार देखिए, इस क्वेश्चन में अपन ने जो चीज़ डिस्कस की है वो ये है कि लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं उनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें क्या होंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि अध्यक्ष की बात करें तो ये फैसिलिटी इक्वल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सदस्यों की जहाँ तक बात है फैसिलिटीज इक्वल टू अदर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा यदि रिटायरमेंट के बाद किसी प्रकार की पेंशन स्कीम का अध्यक्ष या सदस्य किसी प्रकार का फायदा उठा रहे हैं और वो पेंशन यदि निःशक्तता पेंशन की कैटेगरी में नहीं आती है तो उस पेंशन से संबंधित समस्त प्रकार की जो राशि है उसकी कैलकुलेशन को उनके वेतन भत्तों से घटाया जाएगा। लेकिन अगर एक बार किसी लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य को अपॉइंट कर दिया जाता है तो अपॉइंटमेंट के बाद में या उसका अपॉइंटमेंट का वारंट जब राष्ट्रपति द्वारा जारी कर दिया जाता है उस वारंट के बाद में उसके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती या ऐसा कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये था इस अधिनियम के संबंध में सेक्शन 6 और 7 से संबंधित प्रावधान, वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के संबंध में। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इन दो सेक्शंस के बारे में दिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अपन देखेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।